भारत में एक्सबीबी 1.5 के पास केस मिले, गुजरात में 3 जबकि कर्नाटक और राजस्थान में 1 केस मिले। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 175 मामले सामने आए। चीन, अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान जैसे देशों में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले। चीन के चलते लोगों को अस्पताल में नहीं मिल रहा बेड। यूक्रेन में कोरोना से हर हफ्ते 50 से 70 लोगों की मौत। हनी ट्रैप कराती है पाकिस्तानी फौज। पूर्व अफसर का आरोप, जनरल बाजवा और ISI चीफ शामिल, 4 बड़ी एक्ट्रेस के साथ नेताओं का वीडियो। भाई और पिता को वापस पाना चाहता हूँ, प्रिंस हैरी ने इंटरव्यू में कहा। राजशाही छोड़ी तो मेरे खिलाफ अफवाह उड़ाई। पूर्व आर्मी चीफ को इमरान का जवाब, कहा हाँ मैं प्लेबॉय था, खुद को कभी फरिश्ता नहीं बताया। सेक्स ऑडियो लीक बाजवा ने कराया। मध्य प्रदेश सरकार की याचिका सुनेगा सुप्रीम कोर्ट, कहा सभी धर्मांतरण अवैध नहीं। अब सुनवाई 7 फरवरी को, मध्य प्रदेश सरकार को भी नोटिस जारी। प्री प्लॉट लेने के लिए 14 लाख एप्लीकेशन, सीएम शिवराज की टीकमगढ़ को सौगात। टीकमगढ़ जिले के 10,500 हितग्राहियों को आवासीय भूखंड के पट्टे दिए जाएंगे। इंदौर में 3 दिन प्रवासी भारतीय सम्मेलन का 2 दिन ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की रंगत। 20 किलोमीटर में पीएम मोदी के 60 बड़े कॉटआउट। इंदौर एयरपोर्ट से BCC तक का रोड। भोपाल में 22 साल के रिकॉर्ड ठंड, 3 दिन तक सबसे ज्यादा सर्दी। रीवा में स्कूलों की 4 दिन की छुट्टी घोषित। ऋषभ पंत को लिगामेंट इंजुरी के इलाज के लिए देहरादून से मुंबई किया जाएगा शिफ्ट। DDCA ने लिया बड़ा फैसला, रुकी के पास सड़क हादसे का शिकार हुए थे पंत। गंगोत्री धाम व टकनौर क्षेत्र में नए वर्ष पर सीजन की पहली बर्फबारी शुरू। मुखवा, धराली, झाला सहित कई क्षेत्रों में बर्फबारी शुरू। बर्फबारी से शीतलहर की संभावना बढ़ी। हल्द्वानी में गुरु गोविंद सिंह का जन्मोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। गुरु गोविंद सिंह और बलिदानियों को किया याद, बड़ी संख्या में सिख समाज के लोग रहे मौजूद। बैतूल में संविदा कर्मियों ने खून से लिखा पोस्ट कार्ड, सीएम को भेजेंगे मांग पत्र। हड़ताल के 20वें दिन भी प्रदर्शन जारी। कानपुर के लंढौरा में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन, रामपुर ने लंढौरा को 5 रन से हराया। क्रिकेट टूर्नामेंट में 32 टीमें ले रही हिस्सा। हरिद्वार में बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। प्रदेश अध्यक्ष करण महारा के आह्वान पर प्रदेश स्तर प्रदर्शन। रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल, खाद्य पदार्थों के बढ़ते दामों को लेकर प्रदर्शन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मुंबई दौरे पर, 5 जनवरी को मुंबई में करेंगे रोड शो। उद्योगपतियों, फिल्म जगत से जुड़े लोगों से करेंगे मुलाकात। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में सुनवाई। लखनऊ के मनीष ने खुद को बताया श्री कृष्ण का वंशज। लखनऊ में होगा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। इन्वेस्टर समिट में ब्रीफिंग होगी, देश भर के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर, काशी विश्वनाथ और महाकाल जैसा होगा भव्य। 5 एकड़ जमीन पर खर्च होंगे 250 करोड़। सर्वे रिपोर्ट 2 दिन बाद सौंपी जाएगी। कानपुर में ठंड से 10 लोगों ने तोड़ा दम। प्रदेश में सबसे ठंड कानपुर, 50 साल का टीचा अटूटा रिकॉर्ड। 36 सालों में 8 कोल्ड वेब कॉलर। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 5 से 6 जनवरी को करेंगे कर्नाटक का दौरा। तुमकुरु, सिंधुदुर्ग और दावणगौरा जिले का करेंगे दौरा। पार्टी पदाधिकारियों के साथ भी करेंगे बैठक। सीएम नीतीश की समाधान यात्रा का रोड मैप तैयार। 16 दिन में नापेंगे 18 जिले, पटना से बाहर गुजरेंगे 9 रातें। आज से 7 फरवरी तक चलेगी सीएम नीतीश की यात्रा। सड़क हादसों पर रोक लगाने के लिए सीएम योगी ने की 5E फॉर्मूले की मांग। 5 जनवरी से 4 फरवरी तक चलेगा सड़क सुरक्षा अभियान। हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा नफरती भाषण से खत्म हो जाते हैं सम्मान के अधिकार। एक सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा हेट स्पीच पर सख्त कानून बनेंगे। साल के पहले T20 में भारत ने श्रीलंका को 2 रन से हराया। भारत श्रीलंका T20 के टॉप मोमेंट्स, आखिरी 3 बॉल पर 5 रन नहीं बना सका श्रीलंका। फैंस बोले जल्द स्वस्थ हो पाएंगे।